नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, झारखंड में यहाँ पे जो है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है निकाली गई है। रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी हुई। दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रकार की जो है अप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं ली जा रही है, और अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो पोस्ट के अनुसार यहाँ पे जो है आपको अच्छी सैलरी भी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपके यहाँ पे जो है ली जा रही है, एंड कौन सी पोस्ट के यहाँ पे कितने सारे सीटें यहाँ पे निकाली गई, तो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी झारखंड की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है या फिर किसी भी प्रकार के इम्पॉर्टेंट नोटिस आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रिसेंटली में उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति कोडरमा के द्वारा यहाँ पे जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे नियुक्ति के संबंधित में यहाँ पे जो है विज्ञापन जारी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों जो कोडरमा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल झुमरी तिलैया द्वारा यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में यहाँ पे देख पा रहे कि जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे जो पोस्ट नेम आपका दी गई है, तो फर्स्ट में जो है आपका MIS कोऑर्डिनेटर की यहाँ पे जो है पोस्ट नेम दी गई है, और इसमें जो है टोटल आपका यहाँ पे जो है एक सीटें निर्धारित की गई है। दोस्तों, इसमें जो है ओनली अनारक्षित के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है सीट रिजर्व है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो अनिवार्य योग्यता यहाँ पे निर्धारित की गई है, तो आप अगर आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से जो है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में अगर आप किए होंगे या फिर MBA किए होंगे या फिर जो है MSc जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री में अगर आप कर रखे होंगे, या फिर अगर आप जो है PG डिग्री या फिर डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट सोशल साइंस, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इनमें से कोई भी अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस होगा तो आप बिल्कुल जो है MIS कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए जो है आवेदन दे सकते हैं। एटलीस्ट जो है आपका मिनिमम 3 ईयर्स की जो है रिलेवेंट फील्ड में जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो ये सभी जो है आपका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस यहाँ पे निर्धारित की गई है अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे MIS की कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए जो है आवेदन देते हैं। तो और अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो उनको जो है 35,000 पर मंथ सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है IEC कोऑर्डिनेटर यानी कि अंडर JJM के अंदर जो है IEC कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, और इसमें भी जो है आपका टोटल यहाँ पे एक सीट निर्धारित की गई है, और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे निर्धारित की गई, तो अगर आप MBA किए होंगे या फिर जो है MSc जिसमें कि जूलॉजी केमिस्ट्री यहाँ पे होनी चाहिए या फिर जो है बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो ये सारी जो है आपका क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई है। MSc जो लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, एंड PG डिग्री अगर आप कर रखे होंगे, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट या फिर सोशल साइंस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये सभी में से कोई भी क्वालिफिकेशंस होगा मिनिमम जो है 50% अंकों के साथ अगर आप उत्तीर्ण हुए होंगे एंड एटलीस्ट 3 ईयर्स की जो है रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होगी, तो आप IEC कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए जो है आवेदन दे सकते हैं। और इसमें भी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उन सभी को जो है 35,000 यहाँ पे प्रतिमाह सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, और इसमें भी जो है टोटल आपका यहाँ पे जो है एक सीट है। ठीक है दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट SBM कम जो SLWM कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है। तो लाइक यहाँ पे अगर आप MBA कर रखे होंगे या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखे होंगे, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट किए होंगे या फिर जो है MSW किए होंगे, ये इन सभी में जो है आपका 55% के साथ अंकों के साथ अगर आप यहाँ पे उत्तीर्ण हुए होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं पे आपका इंग्लिश एंड जो हिंदी लैंग्वेज जो आपका यहाँ पे होगी तो उनको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस भी दी जाएगी। इसमें जो है मिनिमम आपका 5 ईयर्स की जो है वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है बताई गई है एकेडमिक कोर्स, एंड एटलीस्ट जो है 3 ईयर्स की जो है रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे जो है मांगी गई है। ठीक है, और इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उनको जो है 40,000 यहाँ पे प्रतिमाह सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों, ये सारी जो है आपका पोस्ट के अनुसार यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई है। यहाँ पे एज की क्राइटेरिया की बात कर लें तो एज की क्राइटेरिया यहाँ पे जो रखी गई है तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 55 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है आप इसमें आवेदन दे सकती हैं। वहीं पे अगर आप सेवानिवृत्त
पदाधिकारी या फिर जो है कर्मी होंगे, तो उन सभी को जो है 63 यहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे जो है निकाली गई है। पूर्णता जो है आपका स्टार्टिंग में 1 ईयर्स के लिए जो है यहाँ पे रखी जाएगी। देन जैसा आपका यहाँ पे कार्य में संतोषप्रद यहाँ पे पाई जाती है, तो उसके अनुसार जो है आपका जो अनुबंध होगी वो आपको यहाँ पे जो है एक्सटेंड की जाएगी। बात करें कि इस फॉर्म को आपको कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे बदलाई गई है कि इच्छुक उम्मीदवार सभी वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, इन सभी के जो है संबंधित प्रमाण पत्र जो है आपका स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ आपको ईमेल आईडी यहाँ पे देख पा रही जो ईमेल आईडी दी गई है इसमें जो है आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो है आपको 10 मार्च 2022 से पहले शाम 3 बजे से पहले जो है आपको भेजनी होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको किसी भी स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे नहीं भेजनी है। तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड जो इसका यहाँ पे अप्लीकेशन का फॉर्म है, उन सभी को जो है आपको पीडीएफ में जो है कन्वर्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी में जो है 10 मार्च से पहले जो यहाँ पे भेजनी होगी। ठीक है, एंड जो प्रारंभिक मेगा सूची यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे आपत्ति करते हैं उसका आमंत्रण का जो डेट यहाँ पे निर्धारित की गई है 15 मार्च यहाँ पे जो है इसका डेट निर्धारित की गई है। एंड प्रारंभिक सूची का प्रकाशन जो है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें यहाँ पे जो है दी जाएगी। ठीक है, 21/3/2022 के शाम 2 बजे तक जो है अगर आप किसी भी प्रकार की अगर आप यहाँ पे आपत्ति करते हैं तो ये आपका ईमेल आईडी दी गई है इसमें आप जो है कर सकते हैं। लिखित परीक्षा ये सभी की जानकारी जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी, 24 मार्च को जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर जो है आप यहाँ पे अपडेट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका यहाँ पे सिलेक्शंस की प्रोसेस है कि कितने सारे आपको यहाँ पे जो है कार्य में अनुभव या जो क्वालिफिकेशंस आप यहाँ पे देते हैं उससे यहाँ पे जो है वेटेज दी जा रही है। तो ये सब जो है आपको यहाँ पे दोस्तों ये जो है इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। सबसे पहले जो है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है इन सभी डिटेल्स को जो है आपको अच्छी तरह से जो है फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद जो ऊपर में मैंने आपको ईमेल आईडी बताई थी उस ईमेल आईडी में जो है आपको 10 मार्च से पहले जो यहाँ पे भेजनी होगी। जो भी आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स होंगे उन सभी के साथ जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो है उस ईमेल आईडी में भेजनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे तो आप इसके लिए जो है आवेदन दे सकते हैं। तो आई होप कि प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।